साथियों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि बिहार स्टेट का ऑनलाइन एग्जाम इस बार होना है और इसका नोटिफिकेशन भी आ चुका है। अगर आपने उर्दू लैंग्वेज लिया है तो आपके लिए बहुत ही अहम जानकारी मैं लेकर आया हूं। और आप कैसे तैयारी करेंगे कि आज से भी अगर आप तैयारी में लग जाते हैं तो ये चार दिन के अंदर भी आप अपनी तैयारी को और भी अच्छे ढंग से कर सकते हैं और आप एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। उसके लिए साथियों हम आपको कुछ टिप्स बताएंगे। टिप्स क्या है? अव्वल नंबर में साथियों ये है मास्टर नोट्स। मास्टर नोट्स कहने का मतलब ये हुआ कि पूरा आपका दर्शा अव्वल दर्शा दोम कहकशा अव्वल कहकशा दोम इस सभी का नोट्स इतना छोटा सा मेरे साथियों इसमें बना हुआ है और ये आपके लिए काफी फायदेमंद होगा एग्जाम के लिहाज से। दूसरी अहम जानकारी ये है कि डेली जीएस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के द्वारा लाइव ओएमआर शीट पर प्रैक्टिस कराया जा रहा है, आप वो भी कर सकते हैं। तो पहले साथियों हम बात करेंगे मास्टर नोट्स है क्या, इसको समझेंगे। मास्टर नोट्स साथियों तमाम जो आपके दर्शा अव्वल दर्शा दोम कहकशा अव्वल कहकशा दोम का जो जितना भी चैप्टर वाइज है, चैप्टर वाइज इसमें सारे निचोड़ को जमा किया गया है। आप एक लाइन में पढ़ेंगे तो आप इसको समझ जाएंगे। जैसे कि मैं एक चैप्टर लेता हूं, जैसे आपके दर्शा दोम में है उसमें साथियों जो आपका दसवां चैप्टर है वो है डिप्टी नजीर अहमद सादत अली सादत हसन अली खान। उसके क्या नाम है? सादत अली हसन खान उसके वालिद का नाम है। आप यहां पे देख रहे होंगे डिप्टी नजीर अहमद। अब देखिए आगे जब आप बढ़िएगा इसमें तो जस्ट साथियों यहां पे लिखा हुआ है कि डिप्टी नजीर अहमद इनकी पैदाइश का इनके वालिद का नाम क्या था, तो सादत अली खान। अच्छा फहमीदा और हमीदा जो आपके बुक में है, अच्छा इनकी पैदाइश कब हुई थी 1836 ईस्वी में, इनकी वफात कब हुई थी 1910 ईस्वी में, कहां पर पैदाइश हुई थी बिजनौर यूपी में, इन्होंने कौन कौन सी नावल लिखी है, तो मीरातुल उरूस 1869, बनातुन नाश 1872, तौबतुन नुसूह 1877, फसाना मुबतला 1885। और फिर साथियों यहां पर आगे है इसी लाइन में है कि इब्नुल वक्त 1888, अय्यामी 1891, रुयाए सादिका 1894। अब एक लाइन अगर आपने रीडिंग कर लिया तो डिप्टी नजीर अहमद से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो आपका समझिए फाइनल तैयार हो गया। ये पूरे को आप दिन में 5 से 6 बार पढ़ सकते हैं। अच्छा एक चैप्टर और लेते हैं हम, दूसरा चैप्टर जैसे कि आपको आमतौर पर पूछा जाता है साथियों, एक चैप्टर है आपके दरक्षा हिस्सा अव्वल का, दरक्षा हिस्सा अव्वल का चैप्टर है सातवां जो चैप्टर लीजिएगा साथियों वो है अल्लामा शिबली नोमानी का, तो इनके वालिद का नाम क्या था, तो हबीबुल्लाह था। अच्छा जो चैप्टर है उसका नाम है तालीम कदीम जदीद, और ये क्या है, मजमून है, इंशाइया है, ड्रामा है, तो इसमें दिया हुआ है कि ये मजमून है। अच्छा शिबली नोमानी की पैदाइश कब हुई थी 1857 ईस्वी में, कहां हुई थी आजमगढ़ में, इनकी वफात कब हुई थी, तो 1914 ईस्वी में साथियों, ठीक है। अच्छा अल्लामा शिबली नोमानी की जो किताबें हैं जैसे कि शेरुल अजम अल फारूक सीरतुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल गजाली अल मामून मुवाजना अनीसो दबीर, अच्छा इनके जो उस्ताद थे मौलवी शकरुल्लाह थे, शिबली के नाम के साथ नोमानी का लफ्ज मोहम्मद फारूक ने बढ़ाया। तो ये एक लाइन आपने पढ़ा, पूरे अल्लामा शिबली नोमानी के बारे में आपने पढ़ लिया। इस तरह साथियों हम इसको एक छोटा सा नोट है जो कि जीएस ऑनलाइन के द्वारा तैयारी कर मतलब तैयार किया गया है। आप अगर इसको आप सही ढंग से रीडिंग कर लेते हैं तो दिन में 4 से 5 बार इसको आप पढ़ लीजिएगा। अब समझिए 4 से 5 बार अगर आप इसको पढ़ते हैं तो 4 दिन समय है, आप इसको 4-4 बार ही डेली पढ़िएगा तो साथियों 16 बार पढ़िएगा। और रोजाना रात में इसका प्रैक्टिस सेट लगाया जाता है 100-100 नंबर का। अगर आपने इस तरह तैयारी की तो यकीन मानिए आप बहुत कुछ सीख लोगे इतने कम दिनों में भी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये नोट्स आपको काफी हेल्पफुल होगा, इसलिए मैं उन तमाम तलबा से जो उर्दू लैंग्वेज लिए हैं गुजारिश करूंगा कि अगर आपने ये नोट्स नहीं लिया है तो ये नोट्स आज ही ले लीजिए, बिल्कुल न्यू नोट्स है और टाइपिंग क्या हुआ है, आपके लिए काफी फायदेमंद होगा। और इस नोट्स को लेने के लिए आप हमारे जीएस ऑनलाइन के इस ऑफिशियल नंबर पे संपर्क करके आप नोट्स को हासिल कर सकते हैं। नंबर है साथियों 8292034397, इस नंबर पे आप कॉन्टेक्ट करके या फिर व्हाट्सएप करके इस नोट्स का आप पीडीएफ मंगवा सकते हैं और इस नोट्स का पूरा लेक्चर आप मंगवा सकते हैं, आपके लिए काफी फायदेमंद होगा ये।
तो उम्मीद करते हैं साथियों सभी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।